फ्रेंड वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस आज मैं रेस्टोरेंट तो नहीं ले जा रही हूँ, बट हाँ मैं अपने बनारस आपको चल रही हूँ घुमाने। अगर आप बाहर के हो तो ऑब्वियसली ज़रूर आइए आप बनारस घूमिए। ऑब्वियसली मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, यू नो पूरा घाट सजा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ। तो गाइस चलिए मैं आपको अस्सी ले चल रही हूँ। ऐसे तो पूरा बनारस ही सजा हुआ है, बट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मतलब आप ये फील करोगे ना। मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने बोट से अस्सी से लेके मनकंका से आगे तक बोट गया था, और वहाँ से फिर मैं वापस अस्सी आई। तो ये जो लम्हे थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। अगर आपके फ्रेंड्स हो तो मस्ट भी जाइए, आप अपने फैमिली के साथ जाइए। जैसे आप देख रहे हो, देखिए पूरे घाट सजे हुए हैं। तो मैं बनारस के लिए कुछ लाइंस कहना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप देखो पूरा घाट डेकोरेट है, इसी पे मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगी जो आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, तो मैं बनारस की शान में कुछ कहना चाहूँगी। बनारस वाला लव, हाँ इक्स में डूबा हुआ शहर है बनारस, पर केवल महबूब के आँखों में डूबना ही नहीं सिखाता है ये सब। इस शहर की रग रग में बसता है इश्क, महादेव के नाम में घुला है इश्क, गंगा की लहरों में गोते खाता है इश्क, घाट की सीढ़ियों पे बैठा मुस्कुराता इश्क, नाव पर बैठा गीत गाता हुआ माजी, उसके गीतों में इश्क, यहाँ की गलियों में इश्क, यहाँ की हवाओं में बहता है इश्क। हाँ सच है कि इश्क में डूबा हुआ है शहर बनारस। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये लाइनें। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरे घाट सजे हुए हैं। मैं बोट से गई थी, मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे, पर हेड 100 रुपीज़ लगा था चार्ज, और पूरा मतलब बहुत ही अच्छा, आपको मतलब कि लगेगा नहीं कि 100 रुपीज़ आपका वेस्ट गया। बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। अगर आप अभी जा रहे हो तो जैकेट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मे भी ठंड है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वियर नहीं किए थे, बट मैं बोलूँगी हाँ आप ज़रूर वियर कीजिएगा। और आरती मतलब ये घाट लेकर, मतलब ये नाव पे जो है, नाव वाले आपको ले जाएंगे और पूरा आरती आपको दिखाएंगे। पूरा आरती दिखाने के बाद फिर से आपको वापस अस्सी लेकर आएंगे। आप इस पे अपना खाने का सामान ले सकते हो, बट आपको फेंकना नहीं है। और चाय भी मिलता है, नींबू वाला चाय आपको पता है अस्सी का बहुत ही फेमस है। मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अपना बनारस। मतलब सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं क्या कहूँ, अपना बनारस है ही इतना प्यारा, इतना अच्छा कि जो भी आए बाहर से मुँह लेता है। घाटों पे यू नो झालर से ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग पूरा, मतलब फीलिंग आएगी कि आप कहाँ आ गए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा ऑब्जर्व करने का कि घाट का, ठीक है मैं इससे पहले नहीं गई थी क्योंकि बहुत ही भीड़ रहता। ऑब्वियसली भीड़ कल भी बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी मैं गई। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बोट से पूरे घाट को व्यू मतलब लूँ, क्या नज़ारे हैं इसके। बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप बाहर से हो तो एक बार ज़रूर, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है पूरे एक महीने के लिए है। तो आप 25 तारीख न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने फ्रेंड लोग के साथ, मैं ज़्यादा नहीं 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैं 6:15 बजे बोट पर थी तो 7:30 बजे मैं बोट से उतरी थी। तो मैं आपको टाइमिंग बता दे रही हूँ, इतना टाइम लग आएगा। और उसके बाद आप खाने पीने के लिए अगल बगल, मैंने अपने और भी ब्लॉग में बताया कि रेस्टोरेंट जा सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अस्सी का चाय आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अस्सी का चाय बहुत ही फेमस है। और मतलब कि मस्ट भी जाइए फ्रेंड, ये एक महीने को उत्सव जो है, आप ज़रूर जाइए, अपने फैमिलीज़ को भी लेकर जाइए और दिखाइए बनारस। मतलब ऐसे तो दे दिवाली पे हमारा पूरा घाट सजता है, बट दे दिवाली की जगह ये काशी महोत्सव में जो है आप पार्ट, मतलब आप जाइए देखिए, मतलब फील करिए कि बनारस में रियली में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।